नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज बात करने जा रहा हूं कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी देशभक्त कवि और पत्रकार थे। उनकी कविताओं में देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी शासकों के जुल्म और अत्याचारों का वर्णन किया है। कवि अपने आप को जेल में बंदी बनाकर सोचता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का गीत गाने का है। कवि कल्पना करता है कि पेड़ पर बैठी कोयल ने खुद को कैदी मान लिया है। वह पूरे देश को जेल के रूप में अनुभव करती है, इसलिए वह एक दिन आधी रात को करुण पुकार में चीख उठती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को पढ़ते और समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि आधी रात में पुकारने वाली कोयल से पूछ रहा है कि वह इस समय क्यों गा रही है। कोयल से उत्तर न मिलने पर वह दोबारा पूछता है कि तुम वजह क्यों नहीं बताती हो, और इसके अलावा तुम चुप हो जाती हो, दुख बढ़ जाने पर तुम दोबारा बोलना शुरू कर देती हो। आखिर तुम बताओ तो सही कि तुम किसका संदेश लेकर हमें सुनाने आई हो। कोयल से उत्तर ना पाकर कवि अपना मन ही मन प्रश्न करने लगता है कि क्या कोयल ये बताना चाहती है कि वह किसकी ऊंची काली दीवारों के बीच कैद है, या फिर वह चोर डाकू या लुटेरे के बीच फंस गई है जो उसे पेट भर खाने नहीं देते हैं। अत्याचारी ना तो उसे मरने देते हैं और ना ही जीने। वह कड़े पहरे में कैदी बनकर दिन रात उसके अत्याचारों को सहती है, और इस समय उसे चंद्रमा भी निराश कर गया है। वह चांद से भी अपनी दुख भरी व्यथा नहीं कह सकी, और अब आधी रात को भी यह काली कोयल जागकर क्यों चीख उठी। हे मेरी कोयल, कुछ तो बोलो। इन पंक्तियों में कवि आधी रात में चीखने वाली कोयल से पूछ रहा है कि तुम्हारे हृदय में ऐसा कौन सा बेचैन कर देने वाला दुख था जिसके बोझ से तुम चिल्ला पड़ी। अत्याचारियों और लुटेरे ने तुम्हारा ऐसा क्या लूट छीन लिया है जिसकी तुम रखवाली कर रही थी। लुटेरे ने तुम्हारा ऐसा कौन सा सुख समृद्धि छीन लिया है। हे कोयल, कुछ तो बोलो। क्या बिना वजह ही तुम्हारे अंदर पागलपन छा गया है जो इतनी रात को तुम चिल्लाने लगी। कोयल, कुछ तो बताओ। क्या तुमने किसी जंगल में आग की भयानक लपटों को देख लिया है जिसके डर से तुम चिल्लाने लगी हो। हे कोयल, कुछ तो बोलो। इन पंक्तियों में कवि भारत में ब्रिटिश शासकों के अत्याचारों का वर्णन करते हुए आधी रात में चीखने वाली कोयल की दुख भरी व्यथा के बारे में लिखता है कि तेरी चीख सुनकर लगता है कि तुझे ये लोहे की जंजीरों का बंधन स्वीकार नहीं है। ब्रिटिश शासन में तेरे हाथों में पड़ी हथकड़ियां गहने जैसे हैं। कैद में रहकर दिन भर कोल्हू की चरकचू जैसी आवाज तेरे लिए जीवन की दान बन चुकी है। जब भी कोई तुझे सुन नहीं पाता तो तू गिट्टियों पर अपनी उंगलियों से मन की बातें लिखने लगती है जो तेरे जीवन गीत बन गए हैं। दिन भर कैद में रहकर उनके कुएं से पानी खींचने के लिए बंधा जुआ तेरे कंधों पर पड़ा रहता है। इन सभी दुखों को झेलने पर तेरी तो सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। तुझ पर होते अत्याचारों को देखकर कोई रोने वाला भी नहीं है, इसलिए तू आधी रात को इस दुनिया को सुनाने के लिए अपनी करुण गाथा से रोकर सुना रही है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि रात की खामोशी और गहन अंधकार को चीरते हुए तुम क्यों रो रही हो। कोयल, तुम आधी रात में रोने का कारण तो बताओ। रात की खामोशी को तुम देशभक्तों के मन में चुपचाप क्रांति के बीच इतनी रात में क्यों बोल रही हो। कोयल, कुछ तो बोलो। जिस तरह रात काली है वैसे ही तू भी काली है। विदेशी शासक की करतूतें भी काली है। इस भयावह कालेपन में कल्पना करने वाले की कल्पना भी काली है। बंदी गृह की कोठरी भी काली है। बंदियों को पहनने के लिए दी जाने वाली टोपी और ओढ़ने वाला कंबल भी काला है। हाथ और पैरों में बंधी लोहे की जंजीरें भी काली है। रात के अंधेरे में पहरा देने वाले हुंकार भी काली सर्पनी जैसी है। तुझ पर पड़ने वाली गालियां भी काली है। इन पंक्तियों में कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछता है कि तुम आधी रात रूपी काले सागर पर मरने का उतारू होकर इस समय क्यों बोल रही हो। इस समय तुम्हारे सुनने वाला कोई भी नहीं है। तुम्हें अपने मार्मिक गीतों को हवा में व्यर्थ ही क्यों तैरा रही हो। कवि कोयल से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी कौन सी व्यथा है जिसे इस आधी रात को सुनने में तुम्हें मजबूर होना पड़ा। कवि बंदी बनकर कोठरी में एकांत जीवन व्यतीत कर रहा है, जबकि कोयल को मुक्त जीवन जीने के लिए हरे पेड़ की डाल मिली हुई है। कोयल के उड़ने फिरने के लिए पूरा आसमान है, जबकि कवि 10 फुट लंबे चौड़े कमरे में बंदी है, और यही कवि का सीमित संसार है। जब कोयल गाती है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसका रोना अपराध माना जाता है। कवि कोयल से कहता है कि तुझमें और मुझ में काफी असमानता है। तेरी यह वाणी मुझे युद्ध भूमि जैसी लगती है। मैं तेरी हुंकार से और अपनी संरचना से तुम्ही कहो मैं क्या कर सकता हूँ। कोयल, तुम्ही बताओ आधी रात में बोलने की क्या वजह है। कवि कहता है कि
मोहनदास करमचंद गांधी जी ने स्वतंत्रता का दृढ़ संकल्प लिया है, उसके आधार पर मैं किसमें स्वतंत्रता का रस भर दूं। तात्पर्य यह है कि कवि बंदी अवस्था में किसी को स्वतंत्रता का संदेश देने में असमर्थ है, इसलिए कोयल तुम्हें इस समय मधुर और करुणा भरे गीतों को छोड़कर स्वतंत्रता का जोश भर देने वाले गीत गाने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।